अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो होगा सिलेक्टिंग नॉन कॉन्सिक्यूटिव टेक्स्ट आइटम्स। मतलब कि पहले आपने अगर मेरी वीडियोस पढ़ी होंगी तो उसमें आपने पढ़ा था हमने कि कट कॉपी पेस्ट जो है वो कैसे होता है, कि जब हमने पूरे पेज को या पूरे पैराग्राफ को कॉपी करना है तो हम या तो वो हाईलाइट करेंगे या फिर उसमें कंट्रोल प्लस ऑल करेंगे। पर उसमें क्या होता है कि हमें उसके बीच में जो कुछ भी है वो सब कुछ कॉपी करना पड़ता है। पर अगर हमें कुछ सिलेक्टेड, मतलब कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट ही कॉपी करना है, कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स कॉपी करने हैं, तो वो हम कैसे कॉपी करेंगे? जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, सिलेक्ट द फर्स्ट पीस ऑफ द टेक्स्ट, पहले फर्स्ट पीस ऑफ द टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फिर होल्ड डाउन द कंट्रोल की को होल्ड करना है, और फिर उसमें हमने नेक्स्ट पीस ऑफ टेक्स्ट को जो है वो करना है, मतलब नेक्स्ट जो आपने टेक्स्ट को कॉपी करना है वो होगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, पहले हम कंप्यूटर को होल्ड करेंगे, मतलब कंप्यूटर को हाईलाइट करेंगे, फिर उसके बाद हम कंट्रोल की को दबाएंगे, कंट्रोल की दबाने के बाद ही हम करेंगे एंटर्ड को हाईलाइट करेंगे, फिर हम करेक्टर्स को हाईलाइट करेंगे, फिर हम की, फिर प्रेस को, फिर करेक्टर्स को, ऐसे ही हमारे नॉन कॉन्सिक्यूटिव टेक्स्ट जो है वो कॉपी होते हैं। ठीक है,